न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की और बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेदा। टुंडी रोड में चल रहे PWD द्वारा नाली निर्माण में बरती जा रही अनियमितता, उपायुक्त को ज्ञापन देकर जांच की गई मांग। भाजपा द्वारा सदस्यता ग्रहण समारोह का किया गया आयोजन, काफी संख्या में महिला पुरुषों ने भाजपा का थामा दामन। और मड़वारी युवा मंच प्रेरणा शाखा ने सावन मेला का किया आयोजन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर चलाया हस्ताक्षर अभियान। गिरिडीह सदर प्रखंड के औद्योगिक क्षेत्र में टुंडी रोड में चल रहे PWD के नाली निर्माण कार्य में बड़ी अनियमितता उजागर हुई है, जिसको लेकर वहां के स्थानीय ग्रामीणों ने गिरिडीह जिला युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहम्मद हसनैन अली को सूचना दिया, जिसके बाद कार्य स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया गया, जिसमें धनबाद के किसी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा पूर्व में बने क्षतिग्रस्त एवं गंदगी से जमा नाले के ऊपर ढक्कन लगाने का काम किया जा रहा था, जिसको देखने के बाद जिला अध्यक्ष कॉन्ट्रैक्टर के कर्मियों पर भड़क गए और कार्य को बंद कराया। इस बाबत जिला अध्यक्ष हसनैन अली ने बताया कि कई वर्ष पूर्व में सड़क के दोनों तरफ नाली का निर्माण हुआ था, लेकिन बहुत कम समय में नाली क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके बाद नई योजना के तहत जो कार्य होना था उसमें छड़ का जाली बनाकर ढलाई करना था, और आज जिस तरह मनमाने ढंग से क्षतिग्रस्त गंदे नाले के ऊपर ढक्कन लगाकर यह दिखाने का प्रयास किया जा रहा था कि इस कार्य को पूर्ण कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के सरकारी कार्यों में मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। इस मामले को लेकर गिरिडीह उपायुक्त को ज्ञापन देकर या कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जो भी कार्य कराया गया है सुचारू रूप से उसकी जांच हो और किसी भी तरह से अनियमितता पाई गई उस पर कठोर कार्यवाही करने की मांग की गई। ये जो नाली का काम टुंडी रोड में चल रहा है, इसके संवेदनों के संवेदकों के तरफ से ये निर्देश दिया गया था इनके कर्मियों को कि पुरानी जो नाली जो पूर्व में बनी थी, मैं बता देना चाहता हूँ कि रोड के दोनों साइड पूर्व में नाली बनी थी जिसमें सरिया नहीं दिया गया था, सिर्फ ढलाई करके उसको कंप्लीट किया गया था, जिसको क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद नई नाली का योजना पास हुआ था, जिसमें सरिया के साथ ढलाई करके उसके बाद स्लैब से ढकना था, जिसमें आज यहाँ इन लोगों के द्वारा बंद जाम नाली के ऊपर स्लैब डालने का काम किया जा रहा था जो पूर्व में नाली बनी उसके ऊपर, जिसके बाद यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा सूचना दी गई, देने के पश्चात मैं यहाँ खुद पहुँचकर इसका निरीक्षण किया तो इसमें काफ़ी अनियमितता सामने दिख रही है। देख सकते हैं कि जो नाली का ढक्कन लगाया जा रहा है वो टेढ़ा सीधा है, और पूर्व की नाली है जो क्षतिग्रस्त है और जाम है, पूरी तरह से साफ भी नहीं है। ऐसे में ये बहुत बड़ा सवाल बनता है PWD विभाग से कि उनकी निगरानी में जिस तरह से ये काम का आदेश दिया जा रहा है, इनके कर्मियों ने बताया कि PWD के द्वारा निर्देश हुआ है इस काम को करवाने के लिए। क्या मैं ये पूछना चाहता हूँ PWD विभाग से कि क्या आप लोग बंद पुरानी जाम नाली को ऊपर ढक्कन लगाने का निर्देश दे रहे हैं, और मैं इसको लेकर कल सोमवार को गिरिडीह उपायुक्त को ज्ञापन देकर मांग करूंगा कि इस रोड में जो भी काम हुई है उसकी समीक्षा की जाए और दोषियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। भाजपा द्वारा उद्घाटन सह सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 52 नई महिला एवं पुरुष कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थामा। गिरिडीह सिरसिया स्थित सदर प्रखंड कार्यालय के बगल में रविवार को भारतीय जनता पार्टी के नेता विजय रजक के आवासीय कार्यालय के उद्घाटन सह सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व विधायक निर्भय कुमार सहवादी व विशिष्ट अतिथि के SC मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता सुनील पासवान, जिला उपाध्यक्ष संजय सिंह, पूर्व जिला उपाध्यक्ष मनोज सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। सबसे पहले कार्यक्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय व श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता व संचालन अनिल वर्मा कर रहे थे। सबसे पहले अतिथियों द्वारा नए आवासीय कार्यालय का उद्घाटन फीता काटकर किया गया।
इसके बाद राष्ट्रगान व वंदे मातरम का गान गाया गया, जिसके बाद कुल 52 नए महिला व पुरुष कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। इस दौरान सभी नए कार्यकर्ताओं का पार्टी की ओर से फूल माला पहनाकर व अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत किया गया। इस बाबत पूर्व विधायक निर्भय सहबादी ने बताया कि विजय रजक और गोविंद तुरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थामा है, जो काफी खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि वर्तमान झामुमो की सरकार में पूरे झारखंड में लूट खसोट और भ्रष्टाचार चरम पर है। झामुमो की सरकार से तंग आकर कई झामुमो के समर्थकों ने भाजपा पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। उन्होंने कहा कि ब्लॉक से सटे आवासीय कार्यालय होने के कारण सदर प्रखंड के ग्रामीणों को काफी सहूलियत पहुँची। पूर्व महापौर सुनील पासवान ने कहा कि लोगों का प्यार और विश्वास भाजपा के प्रति सदैव बढ़ता चला जा रहा है, जिसका उदाहरण है कि आज सभी नए कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थामा है। इन कार्यकर्ताओं से भाजपा और मजबूत होगी। विजय रजक ने कहा कि मध्य मंडल भाग में आवासीय कार्यालय का उद्घाटन होने से तमाम जनता को इससे फायदा पहुंचेगी। कहा कि हम सभी भाजपा पार्टी के नेता कार्यकर्ता हर सुख दुख में एक साथ रहेंगे, जिससे पार्टी और मजबूत होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री के मन की बात को उपस्थित लोगों ने ध्यान से सुना। मौके पर अनिल वर्मा, गोपाल विश्वकर्मा, संदीप शर्मा, गंगाधर दास, सुरेश सिंह समेत सभी नए कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज गिरिडीह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही समझते हैं कि बहुत उपलब्धियों वाला दिन है। आज गिरिडीह प्रखंड कार्यालय के बगल में अपने सरकारी सेवा से निवृत्त होकर के हमारे विजय रजक जी ने अपने आवासीय कार्यालय यहाँ पर एक भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्यालय निर्माण कराया है, और साथ ही भारतीय जनता पार्टी में सैकड़ों सदस्यों के साथ में इनके और गोविंद तुरी जी के संयुक्त प्रयास से भारी संख्या में महिलाएं और पुरुषों ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। हम यह कह सकते हैं कि इस अवसर पर मैंने यहाँ की जनता को यह आश्वस्त किया है, जो हालात हमारे यहाँ झारखंड में चल रहे हैं, हमेशा लूट खसूट और भ्रष्टाचार के जितने मामले आ रहे हैं, जनता त्रस्त हो चुकी है। जनता को हम लोगों ने यह आश्वस्त किया है, खास करके जिन लोगों ने पार्टी का दामन थामा है, वैसे लोगों को हम लोगों ने आश्वस्त किया है कि उनकी समस्याओं के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक एक सदस्य आपके साथ में खड़ा है, आपके साथ संघर्ष करके आपको न्याय दिलाने का। और मैं सबसे ज़्यादा बधाई देना चाहता हूँ विजय रजक जी को कि उन्होंने सरकारी सेवा को त्याग करके भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने का जो बीड़ा उन्होंने थामा है, और इतने बड़े परिसर में कार्यालय निर्माण किया है, आज बधाई के पात्र हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह जगह भी जो उपलब्ध हुई है पूरे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, जो भी ब्लॉक की समस्या हो चाहे दूसरी समस्या हो, वहाँ पर बैठ के हम लोग नीति निर्माण करेंगे और संघर्षों का रास्ता तैयार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के यहाँ से हिस्सेदारी होगी, यही विश्वास के साथ आज हम पुनः बधाई देना चाहते हैं जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का ईमानदारी पूर्वक सदस्यता ग्रहण किया। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी मध्य भाग में नए सदस्यों का भारतीय जनता पार्टी परिवार में मिलन, एवं जो सदस्य आज सदस्यता लिए हमारे विजय रजक जी, उनके कार्यालय का आवासीय कार्यालय का उद्घाटन समारोह आज सारे मेन पार्टी की तरफ से जो मकसद था पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए, वैसे में हमारे SC समाज के और गोविंद तुरी जी के नेतृत्व में जो अधिक से अधिक लोग संख्या यहाँ पर सैकड़ों के संख्या में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में है कि किसी इस क्षेत्र के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी SC मोर्चा बहुत मजबूत होगा। और इस जितने भी सारे सदस्य ज्वाइनिंग लिए हैं, सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ। आज हमारे मध्य भाग में मध्य मंडल भाग में प्रखंड कार्यालय के समीप सिरसिया मौजा में ये सैकड़ों कार्यकर्ता वर्तमान सरकार से त्रस्त रवैया देखते हुए
त्रस्त होकर सभी जेएमएम से हमारे भाजपा में ज्वाइनिंग नया सदस्यता ग्रहण किया है और हम लोग इन सबों को आश्वस्त किए हैं। इनके सुख दुख में 2400 घंटा हम सभी कार्यकर्तागण उसके भागी बनेंगे और यहाँ पर हम लोग आज एक ऑफिस का उद्घाटन भी किया और ऑफिस उद्घाटन समारोह हुआ एवं आज मोदी जी का मन की बात थी। हम लोग सर्वप्रथम मोदी जी का मन की बात भी सुना और सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ में हम लोग अपने जोश खरोश के साथ में आज हम लोग बैठक किए और उसके साथ सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देता हूं और सबों के साथ सहयोग दुख सुख में रहने का वादा करता हूं। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा की ओर से सावन महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें नृत्य और संगीत की प्रस्तुति की गयी। मड़वाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा द्वारा ICR रोड स्थित श्याम मंदिर में सावन मेला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम की भी प्रस्तुति की गई, जिसमें महिलाओं ने एक से बढ़कर एक नृत्य संगीत नाटक मंचन की प्रस्तुति की। साथ ही प्रेरणा शाखा की सदस्यों द्वारा स्टॉल भी लगाया गया जिसमें महिलाओं ने हिस्सा लिया और कई तरह के स्टॉल भी लगाए। इस दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस अभियान में महिलाओं ने अपना हस्ताक्षर कर बेटियों को बेटे के बराबरी बेटियां भी बेटे से कम नहीं का संदेश दिया। इस अवसर पर काफी संख्या में शाखा की सदस्यगण उपस्थित रही। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा द्वारा आज जो सावन मेला का आयोजन किया गया है गिरिडीह के लिए ये बहुत अच्छी बात है। सावन के खूबसूरत महीने में इस तरह का आयोजन बहुत अच्छी है और साथ में ये लोग जो सामाजिक सरोकार का काम कर रहे हैं वो समाज के लिए बहुत बेहतर संदेश जा रहा है। मनोरंजन के साथ साथ समाज सेवा और समाज सेवा के साथ मनोरंजन ये जो साथ में हो रहा है इससे महिलाएं घर से बाहर आगे आ रही हैं और आगे बढ़कर सामाजिक दायित्व का निर्वहन कर रही हैं। इसके लिए प्रेरणा शाखा को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ और ये कहना चाहती हूँ कि घायल तो यहाँ हर परिंदा है पर जो उड़ सका वही जिंदा है। तो अपना काम करते रहिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। बहुत आज का कार्यक्रम मारवाड़ी युवा संघ प्रेरणा शाखा की तरफ से बहुत ही शानदार रहा और इनका रक्तदान कार्यक्रम बहुत ही मार्मिक बहुत अधिक था बहुत अच्छा संदेश और मैं यहाँ की सभी महिलाओं को उनके उत्तम भविष्य के लिए शुभकामनाएँ देती हूँ और चाहती हूँ कि उनके जीवन इसी तरह हरियाली बनी रहे और इसी तरह समाज के लिए प्रेरणादायक कार्य करते रहे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय करियर काउंसलिंग का आयोजन किया गया जिसमें बच्चियों को करियर गाइडलाइंस दी गई। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय गिरिडीह में करियर काउंसलिंग का सत्र रखा गया। उपायुक्त गिरिडीह के निर्देशानुसार सभी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में करियर गाइडेंस एवं काउंसलिंग आयोजित किया जाना है। आज के करियर काउंसलिंग के सत्र में जिला नियोजन पदाधिकारी पीयूष शेखर, जिला कौशल विकास पदाधिकारी रवि शंकर, नर्सिंग कॉलेज के प्राचार्य, बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधक, महात्मा गांधी नेशनल फेलो रितेश एवं सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान अभिनव कुमार सिन्हा, अध्ययनरत बच्चियों को करियर विकल्प के बारे में जानकारी दी। मैट्रिक और इंटर के बाद कितने प्रकार के कोर्स के विकल्प उपलब्ध हैं, रोजगार उपप्रमुख पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं की किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, उसके लिए क्या आहर्त एवं योजनाएं होती है और कैसे उसमें आवेदन किया जाए इसके बारे में बताया गया। बच्चियों को विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में बताया गया। पाठ्यक्रम में नर्सिंग, ITI, प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा, बैंकिंग सेवाएं, कर्मचारी चयन आयोग, क्लैट, JEE एवं नीट के बारे में बताया गया। अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ CBSE बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरमेंट, एप्पल एडुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, स्वीटेड आउटडोर, कंप्यूटर क्लासेस, म्यूजिक क्लासेस, बोर्डिंग एंड ग्रीन कैंपस, रिच लाइब्रेरी, आर्ट इन क्लास,
स्विमिंग क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्कूल, टॉप क्लासेस ऑडिटोरियम फॉर कल्चरल एक्टिविटी, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा की कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है। तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114 मोतीलेदा गिरिडीह। 19 वर्षों से धनबाद सहित कई जिलों में अपनी सेवा देता आ रहा धनबाद का सुप्रसिद्ध नर्सिंग होम सर्वमंगला नर्सिंग होम। सर्वमंगला नर्सिंग होम के CMO डॉक्टर सर्वमंगला प्रसाद के कुशल नेतृत्व में नर्सिंग होम संचालित है। डॉक्टर सर्वमंगला प्रसाद स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ सहित नर्सिंग होम के कई अन्य रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को इलाज की सुविधा दी जा रही है। इस योजना के तहत आयुष्मान परिवार को 5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। यहाँ आने वाले मरीजों के लिए नर्सिंग होम कैंपस में ही सभी तरह की सुविधाएं जैसे जांच की सुविधा, कैंटीन की सुविधा सहित और भी कई सुविधाएं उपलब्ध है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा एम्बुलेंस की भी सुविधा दी जा रही है। एक बार अवश्य पधारे। नर्सिंग होम का पता सर्वमंगला नर्सिंग होम, मेमको मोड़ निकट हवाई अड्डा, धनबाद। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया मगतपुर सवेरा रोड, ग्रीडी कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ ग्रीडी के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, COD ग्रीडी। संगीता की ब्यूटी ब्यूटी पार्लर आपके सौंदर्य में 4 चांद लगाए। जी हाँ, हमारे पार्लर में यहाँ आपको ब्लीच, फेशियल, थ्रेडिंग, हेयर कटिंग, हेयर स्प्रे, हेयर स्ट्रेटनिंग परमानेंट, हेयर केराटिन ट्रीटमेंट, हेयर हाइलाइटिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, SD मेकअप, दुल्हन मेहंदी के साथ ही यहाँ लोरियल एवं मैक क्रीम के प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है। हमारे पार्लर में आने वाले ग्राहकों के लिए 50% की छूट दी जा रही है। हमारे पार्लर में जरूर आए, ऑफर सीमित समय के लिए। आपके रूप में आएगा और निखार जब आएंगे आप हमारे संगीता के ब्यूटी ब्यूटी पार्लर के द्वार। एक बार आएंगे फिर खुद को नहीं रोक पाएंगे। हमारा पता संगीतापुरी TVS शोरूम के बगल में, अलकापुरी गिरिडीह। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD वगेरिया हॉस्पिटल के द्वारा GD वगेरिया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD वगेरिया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2021 से 2024 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बर रोड, GD बगेड़िया सेवा सदन हॉस्पिटल, कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट ड्रेसेस में। गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, DAV, SSBM, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी शर्ट,
साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक टॉप, नाइटी, गरारा सरारा, लहंगा चुनरी, गाउन, प्लाजो, बावा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। स्वर्गीय बबलू आजाद की स्मृति में बस स्टैंड के पास कांवरियों के बीच फल एवं शरबत का वितरण किया गया। हर साल की भांति इस साल भी युवा भाजपा नेता शिवम आजाद अपने स्वर्गीय पिता बबलू आजाद के स्मृति में बस स्टैंड के पास कांवरियों की सुविधा को देखते हुए कांवरियों के बीच शरबत, ठंडा पानी और फल का वितरण किया गया। मौके पर स्थानीय वार्ड पार्षद व शिवम आजाद की मां सरिता श्रीवास्तव, अधिवक्ता संजय सिन्हा उर्फ मंटू मुख्य रूप से उपस्थित थे। बताया गया कि हर साल स्वर्गीय बबलू आजाद की स्मृति में बोल बम यात्रियों के बीच इस तरह का आयोजन होते हुए आ रहा है। इस वर्ष भी बोल बम जाने वाले कांवरियों के बीच सेब, केला, शरबत और ठंडा पानी का वितरण किया गया। इस बाबत सरिता श्रीवास्तव ने बताया कि वर्षों से चली आ रही परंपरा को कायम रखते हुए इस वर्ष भी कांवरियों के बीच फल वितरण का कार्यक्रम रखा गया। उन्होंने कहा कि सावन माह बहुत ही बड़ा माह है। इस माह में देवों के देव महादेव के पूजन अर्चना में मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। भोलेनाथ की कृपा से उनके ऊपर जल चढ़ाने वालों भक्तों की सेवा करने का यह एक छोटा सा माध्यम है। मौके पर रोशन कुमार, राजेंद्र सिंह, प्रवीण सिन्हा, अजय तिवारी, नीरू तिवारी, पंकज सिन्हा व अन्य लोग उपस्थित थे। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी बबलू आजाद, स्वर्गीय बबलू आजाद की स्मृति में वितरण कांवरियों के बीच में किया जा रहा है। फल का वितरण किया जा रहा है, पानी का वितरण किया जा रहा है। सभी कांवरियों को जो सुविधा हो सकता है कि बबलू आजाद, स्वर्गीय बबलू आजाद के पुत्र शिवम आजाद की तरफ से किया जाता था, इस वर्ष उनकी माँ जो वार्ड कमिश्नर भी यहाँ की वार्ड पार्षद हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। स्वर्गीय बबलू आजाद की तरफ से और उनके नाता शिवम आजाद की तरफ से फल और जो शरबत का वितरण किया जाता है इस साल भी किया जा रहा है। सभी बम से अनुरोध है कि आप आगे के फल और शरबत पिए और बाबा भोले का दर्शन करके आए। जितने भी जत्था जा रहे हैं खुशी खुशी जाए और सबके लिए आशीर्वाद मांगे और बोल बम का नारा करते हुए जाए। बोल बम, बोल बम। जीडी बगड़ी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के एलिमिनेशन बैठक आयोजित की गई। बैठक में संघ को मजबूती बनाए रखने और नए सदस्य को जोड़ने की बात की गई। गिरिडीह शहर के रजनीकांत डोसा सेंटर में जीडी बगड़िया शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के एलिमिनी संघ की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के रितेश चंद्र, लक्ष्मी कुमारी, अनीता कुमारी, शिवनंदन प्रसाद, अनवर, अर्जुन प्रसाद इत्यादि उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष अनिल प्रसाद कुशवाहा एवं संघ के संचालक सोनी द्वारा किया गया। बैठक में एलुमिनी संघ को मजबूती बनाए रखने एवं नए सदस्यों को जोड़ने की बात कही गई। बैठक में प्रस्ताव रखा गया कि सभी अनुभवी सदस्य समय समय पर महाविद्यालय में अध्ययन करने वाले प्रशिक्षकों को अपना अनुभव बांटे जिससे सभी को लाभ मिले। साथ ही समय समय पर संघ समाज द्वारा कल्याण कार्यों को संपादित करने का भी प्रस्ताव रखा गया। कार्यक्रम का समापन शिव कुमार चौधरी के धन्यवाद ज्ञापन से किया गया। इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे छात्र एवं छात्राओं को सुनहरा अवसर दिया गया जिसमें 1600 मीटर दौड़ में लड़के और लड़कियों ने हिस्सा लिया।
इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को अपनी क्षमता पर रखने का सुनहरा अवसर आज सर्कस मैदान में दिया गया, जिसमें 1600 मीटर की दौड़ हुई जिसमें लड़के और लड़कियों ने भाग लिया, जिसमें सक्सेस मात्रा के संचालक संदीप सर का बहुत बड़ा सहयोग मिला और अहम योगदान निसार अंसारी, ऋषभ कुमार और हिमांशु शेखर का रहा। संदीप सर ने कहा कि गिरिडीह इतने छोटे शहर में इस तरह के खेल का आयोजन होना अभी की युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। 1600 मीटर लड़कियों में प्रथम स्थान प्रीति कुमारी वर्मा, द्वितीय स्थान प्रीति यादव और तृतीय स्थान भूमि ने हासिल की। वहीं लड़के में प्रथम स्थान नीतीश कुमार यादव, द्वितीय स्थान अमन शर्मा और तृतीय स्थान संजय यादव ने हासिल किया। मौके पर निसार अंसारी, हिमांशु शेखर, ऋषभ सिंह, अमन आर्या, मुस्तफा अंसारी, शहदाब बजाज, विपिन सिंह, सुमन चंदन, कैफ सहित कई लोग उपस्थित थे। आज के अंक में बस इतना ही, तब तक के लिए पूरी टीम को